प्रियंका गांधी के बयान पर नरेंद्र मोदी का पलटवार, कहा नीच जाति में पैदा होना गुनाह नहीं। मैं नीची जाति में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरे भाई बताइए, क्या नीची जाति में पैदा होना ये गुनाह है क्या? यूपी के डुमरियागंज में जगदम्बिका पाल के लिए मोदी ने की रैली, कहा जाति का मत करो अपमान, चाहे चढ़ा दो फांसी पर। मोदी ने कहा चाय बेचने वाला भी बन सकता है देश का प्रधानमंत्री, जूतों की पॉलिश करने वाला भी बन सकता है प्रधानमंत्री। जूतों की पॉलिश करने वाला प्रधानमंत्री बन सकता। मोदी ने कहा नीची जाति की मेहनत से महलों में रह रहे गाली देने वाले, कहा चाय ही तो बेची है देश नहीं बेचा। भाइयों बहनों, हमने चाय ही तो बेची है, देश तो नहीं बेचा ना। मोदी ने कहा दिल्ली में मजबूत सरकार बनाने के लिए मुझे यूपी से चाहिए सारे के सारे कमल। रैली से पहले मोदी ने किया था ट्वीट, कहा इस नीच राजनीति की ऊंचाई भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व में स्थान दिलाने की ताकत रखती है। प्रियंका ने कल दिया था बयान, मोदी की नीच राजनीति का अमेठी की जनता देगी जवाब। बिहार के मुजफ्फरपुर में सोनिया का मोदी पर निशाना, कहा वो लेक्चर ऐसे देते हैं जैसे दूध के धुले हुए हैं, मोदी को इतिहास पढ़ने की जरूरत है। इलाहाबाद की रैली में राहुल ने मोदी पर किया कटाक्ष, कहा कर्नाटक में चौकीदार जी को नहीं दिखाई देते येदुरप्पा। कल गांधी के गढ़ अमेठी में मोदी ने किया था सोनिया राहुल पर वार, गांधी परिवार पर देश लूटने का लगाया था आरोप। मां बेटे की सरकार गई, बेटे की सरकार को कोई नहीं बचा सकता। बनारस में प्रचार करने नहीं जाएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, अमेठी और रायबरेली तक ही खुद को रखा सीमित। अमेठी में मोदी की रैली का जवाब देने की तैयारी में गांधी परिवार, वाराणसी में राहुल और सोनिया कर सकते हैं जनसभा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में हो रहा है इस पर विचार, लेकिन अभी कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं। पहले वाराणसी में सोनिया राहुल की रैली की नहीं हो रही थी बात, कांग्रेस ने किया था इनकार। बीजेपी नेता जय नारायण व्यास ने कहा कांग्रेस का कोई भी नेता वाराणसी में जाकर अपने उम्मीदवार के लिए कर सकता है प्रचार। अमेठी में आधी रात को पुलिस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास के बीच कहासुनी, विश्वास का आरोप पुलिस ने उनकी पत्नी और रिश्तेदार को अमेठी छोड़ने को कहा। अमेठी प्रशासन के नोटिफिकेशन पर बरसे कुमार विश्वास, अधिसूचना के मुताबिक बाहर के लोगों को अमेठी खाली करने को कहा गया है। आज यहाँ पुलिस ने आकर रात को 11:30 बजे मेरे अनाउंसमेंट किया कि इस घर में जो भी बाहर के लोग हों अमेठी के जो मतदाता ना हो वो चले जाएं। मैं जब संवाद करने के लिए आया तो मोहम्मद हामिद नाम के एक जो सब इंस्पेक्टर है उन्होंने बहुत अभद्रता की, बहुत बदतमीजियां की जो रिकॉर्डेड है। कुमार विश्वास ने अधिसूचना पर उठाए सवाल, पूछा क्या प्रियंका और कांग्रेसियों को अमेठी छोड़ने के लिए कह सकता है जिला प्रशासन, यानी कि अब राहुल गांधी अगर विवाहित नहीं है, राहुल गांधी भी आगे मतदाता नहीं है तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे। मुंशीगंज गेस्ट हाउस में पूरे देश के कांग्रेस के दलाल पैसे लेकर आकर बैठे हुए बांटने के लिए, खुला पैसा बट रहा है, लेकिन इस पुलिस प्रशासन की हिम्मत नहीं है कि मुंशीगंज के पर्दे हटा के अंदर घुस जाए। कुमार विश्वास और अमेठी पुलिस के बीच नोकझोंक के वक्त सोमनाथ भारती भी थे मौजूद, जिला प्रशासन की अधिसूचना पर उठाए सवाल। ये तो बिल्कुल ही ऐसा नोटिफिकेशन है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सेकंड के अंदर रिक्वेस्ट करके और ऐसी झाड़ पड़ेगी इनको जिंदगी और नहीं भूल पाएंगे। सोमनाथ भारती ने कहा सबके लिए नहीं बल्कि शांति में बाधा पहुंचाने वालों को इलाके से बाहर करने के लिए हो अधिसूचना। कुमार विश्वास के आरोपों को अमेठी पुलिस ने किया खारिज, कहा प्रचार के लिए कुमार ने बनाया बात का पतंगड़।
ये गलत कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं, केवल मीडिया में अपने को करने के लिए कर रहे हैं, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रत्याशी हैं, उनका परिवार तो रहेगा ही, वो कहाँ जाएंगे। सुब्रत राय सहारा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अर्जी खारिज, जेल में ही रहेंगे सुब्रत रॉय। कोर्ट ने लगाई सुब्रत रॉय को फटकार, कहा जजों पर डाला गया मानसिक दबाव। सुनवाई के दौरान जज ने कहा कानून की प्रक्रिया का उल्लंघन करने की कोशिश की गई। निवेशकों का पैसा वापस करने का सहारा का प्रस्ताव खारिज, नए प्रस्ताव के साथ फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा सहारा। सुब्रत रॉय के वकील ने गिरफ्तारी को अवैध बताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दलील को किया खारिज, कहा कानून के दायरे में की गई गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का ऐतिहासिक फैसला, बड़े अधिकारियों पर केस चलाने के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं। संवैधानिक बेंच ने दिल्ली पुलिस स्थापना एक्ट के सेक्शन 6A को किया खारिज, कहा ज्वाइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के अधिकारी पर केस चलाने के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को दिया बड़ा झटका, कन्नड़ को राज्य की मुख्य भाषा बनाने के फैसले को किया खारिज। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जयदेव ठाकरे की याचिका खारिज की, बाल ठाकरे की संपत्ति में मांगा था एक तिहाई हिस्सा। जज ने खारिज करने की बताई दलील, कहा जयदेव ने प्रक्रियाओं की नहीं किया पालन। ललित मोदी को बड़ा झटका लगा है, बीसीसीआई ने आरसीए को सस्पेंड कर दिया है। शिवलाल यादव की अध्यक्षता में लिया गया फैसला, आरसीए को भेजा जाएगा कारण बताओ नोटिस, क्रिकेटर्स के हितों के लिए बनेगी एडहॉक कमेटी। ललित मोदी आज ही जीते हैं आरसीए अध्यक्ष पद का चुनाव, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आया नतीजा। चुनाव में ललित मोदी को मिले थे 24 वोट, उनके खिलाफ खड़े सीपी जोशी गुट के रामलाल को मिले केवल 4 वोट। मोदी की जीत पर जयपुर में मनाया गया जश्न, लेकिन निलंबन ने फीका किया जश्न। अरविंद केजरीवाल का प्रचार करने बनारस पहुंचे जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बताया लुटेरी पार्टी। कैंडिडेचर का सपोर्ट करने आया है, इसलिए कि बाकी जितने कैंडिडेट हैं वो हमारे लिए संभव नहीं उनको पढ़ना। मोदी के प्रचार के लिए गुजरात से मुसलमानों का एक जत्था वाराणसी रवाना, काशी में मोदी के लिए मांगेंगे वोट। बीजेपी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच मोदी के लिए बनारस में करेगा प्रचार, वडोदरा से रवाना हुई टीम। होशियारपुर से बीएसपी उम्मीदवार भगवान सिंह चौहान भूले मर्यादा, योगगुरु रामदेव के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल। कोई आदमी जेड़ा इस गुंडे दा सिर बढ़ के ले आवे, उन्हें 1 करोड़ रुपया इनाम दिता जाऊंगा। इलाहाबाद में चुनावी रैली खत्म कर पत्रकारों के सवाल पर बोले राहुल, हमारी सरकार आ रही है। राहुल जी सरकार आ रही है, आ रही है। यूपी सीएम अखिलेश यादव का दावा, केंद्र में इस बार तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। देवरिया में अपने उम्मीदवार का प्रचार करने पहुंचे अखिलेश, ने कहा 150 सीटों तक ही सिमट कर रह जाएगी बीजेपी। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेगा तो वो समाजवादी पार्टी जीत कर भी जाएगी, और इसलिए भी यह समाजवादी पार्टी ने लगातार 2 साल काम किया है। पटना धमाके में मोदी को थी मारने की साजिश, इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी इम्तियाज और ताविश ने पूछताछ में किया खुलासा। हिट एंड रन केस में आज अभिनेता सलमान खान कोर्ट में हुए पेश, सलमान की गाड़ी से फुटपाथ पर सो रहे 4 लोगों को कुचलने का मामला। पुणे में पुलिस के अधिकारी पर लेडी कांस्टेबल को पीटने का आरोप, सरकारी आवास में गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे इंस्पेक्टर के खिलाफ, लेडी कांस्टेबल ने आरटीआई से मांगी थी जानकारी।
रशियन सेंटर फॉर साइंस एंड कल्चर ने दिल्ली में लगाया एजुकेशन फेयर, रूस में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की प्रक्रियाओं को समझाया। 11 मई तक दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के रशियन सेंटर में चलेगा एजुकेशन फेयर, सालाना 2 लाख